गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एस्पिरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज। हाउ आर यू ऑल? फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू क्लासेस फॉर द बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाई एग्जामिनेशन, स्पेशली फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। सो आज की वीडियो में क्लास वन में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये जो लेक्चर है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेजेस में यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, तो बोथ मीडियम के कैंडिडेट्स इस लेक्चर को सुन सकते हैं और अच्छे से सभी टॉपिक्स को आप सुनते रहिए। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्यूरी पुट कर सकती हैं। एंड टू गेट द कंप्लीट स्टडी मटेरियल फॉर दिस एग्जाम आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी है। तो आप सभी अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस क्लास। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो मैनेजमेंट के लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो सिलेबस है उसमें कॉन्सेप्ट एंड पॉलिसीज गिवन है, मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सेलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड ट्रांसफर। इसमें कॉन्सेप्ट और पॉलिसीज हम आपको पढ़ाएंगे अच्छे से। और मानव संसाधन विकास के अंदर जो भी मानव शक्ति योजना है जिसमें भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, विकास, पदोन्नति और स्थानांतरण, ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया जाएगा। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जॉब इवेल्युएशन, जॉब एनरिचमेंट, तो ये जो टर्म्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सब हम कंप्लीट करेंगे क्लासेस के थ्रू और स्टडी मटेरियल आपको व्हाट्सएप नंबर पर ही प्रोवाइड किया जाएगा। कंपनसेशन मैनेजमेंट, एम्प्लॉई मोरल एंड प्रोडक्टिविटी, मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एंड ऑडिट। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपका यहाँ पर आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, मानव संसाधन विकास के बारे में पढ़ते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है, हिस्सा माना जाता है। तो मानव संसाधन प्रबंधन का एक हिस्सा है ये, और इसमें हम जो मेनली एम्प्लॉयज जो काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके डेवलपमेंट, जो ऑल ओवर डेवलपमेंट होती है उसके ऊपर जोर दिया जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। तो इसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे कि उनका जो करियर डेवलपमेंट है कि कैसे जो एम्प्लॉयज हैं उनका करियर डेवलपमेंट किया जाएगा स्किल्स के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, या फिर उनकी जो भी वर्क है उससे रिलेटेड काउंसलिंग उनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाएगी, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उनको स्किल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है ये डिपेंड करता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का पार्ट है जो मैनेजमेंट के अंदर ही आता है, और इसमें जो पोटेंशियल है एम्प्लॉयज का वो ज्यादा से ज्यादा अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सके और अपने स्किल्स को डेवलप कर सके। तो इसका मेन मोटिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का यही होता है कि जो एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को, जो उनके लक्ष्य हैं उसको प्राप्त कर सके। तो जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी किन्हीं भी संसाधन जो होते हैं उनका आवंटन करना कर्मचारी का विकास कहा जाता है। और इसके लिए जो मानव संसाधन प्रबंधन है ये एक तरह से उसी का हिस्सा माना जाता है, जिसमें जो एम्प्लॉय कर्मचारी होते हैं उनका करियर का विकास किया जाता है और उनका प्रशिक्षण किया जाता है और उन्हें नई से नई जो नवीनतम तकनीक होती है वो सब सिखाई जाती है। तो ये सारी चीजें जो है ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ही पार्ट है। तो आगे हम डिटेल में देखेंगे इससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम में जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं वही टॉपिक्स अच्छे से कवर करेंगे एज पर द सिलेबस। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की। ये जो डेफिनेशन है इट इज गिवन बाय द M.M. खान ने डेफिनेशन दी है, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज, कैपेबिलिटीज एंड द पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड ऑफ ऑल पीपल वर्किंग एट ऑल लेवल इन अ बिजनेस अंडरटेकिंग। तो एक किसी भी व्यवसायिक उपक्रम के अंदर जितने भी सभी स्तर हैं उसमें, तो उस पर काम करने वाले सभी लोगों का कितना ज्ञान है, उनको कितनी जानकारी है, उनकी क्षमताएं क्या हैं, और साथ में वो किस तरह से सकारात्मक जो कार्य है उसके दृष्टिकोण को बढ़ाने की प्रक्रिया जो है उसको क्या बोला जाता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोला जाता है। तो ये डेफिनेशन M.M. खान के द्वारा दी गई थी। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है इट इज गिवन बाय द प्रोफेसर लेन नाडलर। तो प्रोफेसर नेल लाडनर ने कहा था कि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है ये एक ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंस है, किसी भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कितना सीख सकते हैं जो एम्प्लॉयज हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनका जो एक्सपीरियंस है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस चेंज, कि जो सीखने के बाद उनका एक्सपीरियंस गिरने के बाद उनकी परफॉर्मेंस में कितना पॉसिबिलिटी है चेंज होने का, बदलाव होने का, और जो उनका अनुभव है, तो इन सब चीजों को मिलाकर क्या बोला जाता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट।
नेक्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय द सेम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को इन्होंने ऐसे डिफाइन किया था कि इट इज मैचिंग द ऑर्गेनाइजेशन नीड फॉर द ह्यूमन रिसोर्स। तो किसी भी मानव संसाधन के लिए आवश्यक संगठनों से मेल खा रहा है जो उसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोला गया है एंड विद द इंडिविजुअल नीड फॉर द पर्सनल करियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो एक व्यक्तिगत करियर के विकास और विकास के लिए जो व्यक्तिगत आवश्यकता है उसके साथ जो है उसमें मानव विकास संसाधन को यहाँ पर बताया गया है स्लम के द्वारा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो मानव संसाधन विकास की प्रकृति और कार्यक्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये एक डायनेमिक इन्वायरमेंट बोला जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिकॉज यहाँ पर लगातार जो जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं वो अपडेट होती रहती हैं एज पर द डिमांड, बिकॉज जैसे जैसे जॉब जिस तरह की जॉब की रिक्वायरमेंट होती है उसके बेसिस पर ही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वर्क करता है। तो इसलिए इसको एक डायनेमिक इन्वायरमेंट बोला गया है, गतिशील वातावरण बोला गया है जिसमें एक संगठन कार्य करता है। एंड दिस इज नेसेसरी टू एंश्योर द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ क्वालिफाइड पर्सन। तो जो भी जॉब रिक्वायरमेंट्स है उसके बेसिस पर क्वालिफाइड पर्सन को एज पर द जॉब रिक्वायरमेंट उनको स्किल डेवलपमेंट किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किया जाता है। इसलिए इसको एक डायनेमिक प्रोसेस या इन्वायरमेंट बोला गया है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक सिस्टम है जो म्यूचुअली डिपेंडेंट है, मतलब इसमें एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन दोनों एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। इसलिए इसको क्या बोला गया है, म्यूचुअली डिपेंडेंट पार्ट्स बोला गया है। तो इसका जो डिजाइन और सिस्टम होता है इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड इन आइसोलेशन, तो इसको अलग नहीं मान सकते, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। इट मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट इट्स लिंकेज विद द अदर पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या है कि जितने भी जो पार्ट्स हैं दैट इज रिलेटेड विद द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो वो एक दूसरे से लिंक करते हैं, चाहे वो ट्रेनिंग हो चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर लिंक्ड है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक प्रोएक्टिव फंक्शन है, ये एक सक्रिय कार्य है एंड इट इज नॉट टू कॉप विद द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट इसमें क्या करना होगा, दे हैव टू एट दम इन एडवांस इन अ कंटिन्यूस एंड प्लान वे। तो उनको जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है एक लगातार प्लान तरीके से चलना होता है जिसमें योजनाबद्ध तरीके से डेवलपमेंट किया जाता है एम्प्लॉयज का एज पर द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और अचीवमेंट के बेसिस पर। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो स्कोप और नेचर है उसके बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि जो HRD है इट एम्स एट डेवलपिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ ऑल लाइन मैनेजर सो दैट दे कैन ग्रेजुअली हैंडल द फंक्शंस। तो इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन मैनेजर्स का मतलब यहाँ पर है कि यहाँ का जो लक्ष्य है उसको विकसित करने के लिए सभी प्रबंधों की क्षमताएं एक दूसरे के साथ निर्भर करती हैं। जैसे कि मान लीजिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो गए या उनको जो रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं या पनिशमेंट्स हैं या परफॉर्मेंस अप्रेजल है, तो ये सारी कैपेबिलिटीज जो है ऑनलाइन मैनेजर्स की होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी इंडस्ट्रियल रिलेशन जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय जो वहाँ पर वर्क कर रहे हैं और जो वहाँ मैनेजर्स हैं तो उनके बीच में कैसे रिलेशंस हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन जो हैं, या उनको अगर वो अच्छा कोई भी उनका टारगेट्स होते हैं उसको अचीव करते हैं उनको जो रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, उनका परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है या फिर अदर जो स्किल्स डेवलपमेंट है, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, परफॉर्मेंस अप्रेजल में आ जाएंगी। तो HRD जो है इट एम्फेसाइजेज ऑन बिल्डिंग द राइट वर्क कल्चर। तो राइट वर्क कल्चर का मतलब क्या है, यहाँ पर संगठन में सही कार्य की संस्कृति होना जरूरी है, बिकॉज जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए बनाई गई है जिस काम के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया उसी के बेसिस पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किया जाता है ताकि वहाँ पर जो वर्क है उसको इजिली गोल को अचीव किया जा सके। तो जो वर्क कल्चर है इट शुड बी आइडेंटिफाई द नर्चर द यूज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द पीपल। तो जो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी क्षमताओं का पोषण और उपयोग करने के लिए ये वर्क कल्चर जो है इसने लोगों को आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि उनको किस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है, स्किल डेवलपमेंट किसमें क्या कमी है किसमें ज्यादा है। तो ये सारी चीजें जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इस पे एम्फसाइज करता है, वर्क करता है। तो यहाँ पर ये एक स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का डायग्राम मेंशन किया गया है। इसमें बताया गया है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मेनली स्कोप क्या है। तो इसके लिए अफर्मेटिव एक्शन प्लानिंग, तो सबसे पहले योजना बनाना जरूरी है। अफर्मेटिव एक्शन प्लानिंग का मतलब क्या है कि जो एम्प्लॉयज ट्रेनिंग प्रोग्राम है और मैनेजमेंट है उन सबको क्या करना होगा कि मेनली जो प्रोग्राम्स है दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग बेसिस पे होनी चाहिए, और जो भी प्रॉम्प्ट एक्शन है यानी कि जो एम्प्लॉय रिलेशन प्रोग्राम्स हैं वो इससे इंटरलिंक्ड होने चाहिए। और साथ में यहाँ पर स्टाफिंग प्लानिंग होनी चाहिए कि जैसे कि हायरार्की होती है कि
वन पर्सन इज बिलो द अनदर पर्सन, कौन उसको कोऑर्डिनेट कर रहा है। करियर डेवलपमेंट प्लानिंग में भी इस तरह का यहाँ पर योजना बनाई जाती है। मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। कंपनसेशन प्लानिंग, बेनिफिट प्लानिंग इसके अंदर आ जाएगा और इंडस्ट्रियल रिलेशन डाटा सिस्टम आ जाएगा। तो जो ह्यूमन सिस्टम प्लानिंग है दैट इज इंटरलिंक्ड विद द इंडस्ट्रियल रिलेशन डाटा सिस्टम, और जिससे कि डिपेंड करता है कि मान लीजिए किस तरह का ह्यूमन सिस्टम प्लानिंग किया गया है कि उनको जो कंपनसेशन मिल रहे हैं, उनको जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, जो एम्प्लॉयज वहां पर वर्क कर रहे हैं, अच्छा वर्क कर रहे हैं, अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, तो जो उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो कितना अचीव हो रहा है, उसके लिए क्या किस तरह का विकास किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। करियर डेवलपमेंट प्लानिंग यानी जो एम्प्लॉयज हैं वो भी वहां पर काम करें, वो सेटिस्फाई हैं कि नहीं है अपने काम के साथ, तो ये सारी चीजें जो आपस में मिलजुल कर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो दीज ऑल कम अंडर द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सक्षम कर्मचारी के लिए यहाँ पर जो कम्पिटेंट एम्प्लॉयज हैं वो क्या होता है। कम्पिटेंट एम्प्लॉयज का मतलब है जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो हेल्प करती है पीपल्स हु आर अवेयर ऑफ द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द जॉब परफॉर्मेंस। तो जो भी वो पर्टिकुलर जॉब के लिए वहां पर जिनको रिक्रूट किया गया है, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम है कि वो उनको मदद करती है कि उनके स्किल्स के बारे में उन्हें अवेयर होना चाहिए कि जो काम उनको जॉब करनी है उससे रिलेटेड उनके पास जो स्किल्स है वो इनकल्केटेड हैं या नहीं है। तो आवश्यक कौशल से अवगत कराने में मदद करता है जो HRD है लोगों को नौकरी के प्रदर्शन के लिए। तो देर इज अ ग्रेटर क्लैरिटी ऑफ वर्क नॉर्म्स एंड द स्टैंडर्ड्स। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, कार्य मानदंडों और मानकों की अधिक स्पष्टता है, और दिस रिजल्ट इन अ मोर कम्पिटेंट वर्कफोर्स। तो इसका परिणाम क्या है कि सक्षम कार्यबल जो है इससे मिलेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो कम्पिटेंट एम्प्लॉयज का मतलब आप सभी समझ गए होंगे। नेक्स्ट टर्म है रोल क्लैरिटी। रोल क्लैरिटी यानी भूमिका की स्पष्टता। तो ये HRD जो है ये एनकरेज करती है कम्युनिकेशन बिटवीन द वर्क टीम। तो जो वर्क करते हैं मिलके टीम्स आपस में, टीम वर्क जो होता है उसके बारे में क्या किसका रोल है एक टीम के अंदर, हर एक इंडिविजुअल का क्या रोल है, तो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट उनको एनकरेज करता है कि वो मिलजुल कर काम करे विद कोऑपरेशन एंड द कोऑर्डिनेशन। पीपल नॉट ओनली अंडरस्टैंड देयर रोल बेटर बट आल्सो बिकेम अवेयर ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ द अदर मेंबर्स। तो सिर्फ अपने रोल के ऊपर ही वो जोर ना दें, बेहतर ढंग से ही ना समझे अपनी भूमिका क्या है, बल्कि जो टीम के अन्य सदस्य हैं उनकी अपेक्षाओं को भी वो अवगत होते रहें। तो उन सबके साथ मिलकर उनके काम करने का जो तरीका है और वो क्या काम करना चाहते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टर्म जो है वो है कमिटेड वर्क फोर्स, प्रतिबद्ध कार्य बल। पीपल बिकम मोर कमिटेड टू द जॉब्स बिकॉज रिवॉर्ड्स आर एडमिनिस्टर्ड। तो आप सभी ने देखा होगा कि वो भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज होती है उसमें जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको पर्क्स दिए जाते हैं, रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं ताकि वो अपने काम को और अच्छे से करें, एंड दे आर मोर ऑब्जेक्टिवली थ्रू द HRD प्रोसेस। तो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ही पार्ट है, HRD का ही पार्ट है कि मानव संसाधन विकास की प्रक्रिया के माध्यम से उनको पुरस्कार या फिर अच्छे तरीके से उनको और ज्यादा एनकरेज किया जाए। नेक्स्ट टर्म है ग्रेटर ट्रस्ट एंड द रिस्पेक्ट। तो इसके अंदर जो HRD है उसका एक काम ये भी है कि वो एनकरेज करे कम्युनिकेशन, एक दूसरे का आपस में ट्रस्ट होना चाहिए जो साथ में टीम वर्क कर रहे हैं। HRD हेल्प्स इन द डेवलपिंग ग्रेटर ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। साथ में एक दूसरे का सम्मान भी करना बहुत जरूरी है। जो एम्प्लॉयज होते हैं दे बिकम मोर ओपन एंड ऑथेंटिक एंड न्यू वैल्यूज कैन बी जनरेटेड ईजली। तो उनके जो एथिकल वैल्यूज हैं या मॉरल वैल्यूज हैं, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट, ये सारी चीजें भी क्या है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर आती हैं या मेंशन की गई हैं। जो इफेक्ट है वो है सिनर्जी इफेक्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सिनर्जी इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड द मैनेजर्स। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज वर्क करते हैं और जो टीम वर्क करते हैं, मैनेजर्स होते हैं और उसके अंडर जो एम्प्लॉयज होते हैं, तो उन सब में क्या होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रभावी संचार होना चाहिए, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए कि भागीदारी जो प्रबंधन है वो अच्छे लेवल पर होना चाहिए। एंड द स्ट्रेस जो है टीम वर्क प्रोड्यूस सिनर्जी इफेक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट या स्ट्रेस है, जो टीम वर्क आपस में काम करते हैं उनके बीच में जो तनाव संगठन है उसके भीतर जो सिनर्जी प्रभाव है उसको उत्पन्न करता है सिनर्जी इफेक्ट। एंड ब्रेक रेजिस्टेंस टू चेंज क्या होता है, HRD जो है वो लोगों को और ज्यादा बेहतर बनाता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज उनके अंदर इंक्लूड हो जाएं और वो हर एक सिचुएशन को फेस करने के लिए कैपेबल हों। तो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम है, परिवर्तन के प्रतिरोध को तोड़ता है
और एचआरडी जो है लोगों की समस्या सुलझाने की क्षमताओं को बेहतर ढंग से इसमें क्या करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज को इंक्लूड करता है। दिस नॉट ओनली मेक दम प्रोएक्टिव बट आल्सो ब्रिंग रेडीनेस ऑन देयर पार्ट टू एक्सेप्ट द चेंज। अगर किसी भी तरह का उनको फ्लेक्सिबिलिटी या चेंज है काम के लिए तो वो उसको इजिली क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। तो ये सारी चीजें क्या है, ब्रेक रेजिस्टेंस टू चेंज के अंडर मेंशन की गई है। नेक्स्ट आता है इट फैसिलिटेट द एचआरपी। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है ये लॉट ऑफ यूजफुल और ऑब्जेक्टिव डाटा जो है एम्प्लॉयज का जनरेट करता है, जिससे कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग फैसिलिटेट होती है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ही पार्ट है जिसमें है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो किसी भी काम को अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है प्लानिंग करना। तो एचआरपी के अंदर जो ये नियोजन की सुविधा है ये भी एचआरडी एचआरपी को प्रदान करता है। अदर बेनिफिट्स, ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ एचआरडी इज ऑब्जर्व इन द टर्म्स ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ग्रोथ एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड इंक्रीज प्रॉफिट। तो ये सारे फायदे हैं किसके, जो एचआरडी का ओवरऑल इम्पैक्ट है जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और जो भी प्रोडक्टिविटी है उस ऑर्गेनाइजेशन की वो ज्यादा होती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की वजह से। कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है, ग्रोथ एक्सपेंशन और साथ में प्रॉफिट्स भी बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अदर बेनिफिट्स हैं जो एचआरडी से इंक्लूडेड है या फिर इम्पैक्ट करता है एचआरडी को। जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत में मानव संसाधन विकास। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को हम पूरा ऑल ओवर इंडिया के बारे में देखेंगे। अभी हम एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास जो है ये दिस इज द की पोजिशन इन एनी स्कीम ऑफ डेवलपमेंट। तो किसी भी तरह की डेवलपमेंट या विकास करना हो बिकॉज उसमें हम एचआर को यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं बिकॉज ये एक डेवलपमेंट प्रोसेस है जो सम टोटल है हमारे प्रोडक्टिव एफर्ट्स का, गाइडेड मैनेज्ड एंड एग्जीक्यूटेड थ्रू आर ह्यूमन रिसोर्स। जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स के तरह जिसको हम क्या कर सकते हैं, गाइडेड क्या निर्देशित है, प्रबंधित है या फिर निष्पादित किए गए हैं, इन प्रयासों का कुल योग जो है दैट इज कम अंडर द मानव संसाधन उसको बोलते हैं। तो इसलिए जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंडिया के अंदर है ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और साथ में जितने भी इकोनॉमिक और सोशल कंस्ट्रेंट्स हैं, मतलब जो भी कमियां हैं हमारे आर्थिक और सामाजिक बाधाएं हैं, उन सबको दूर करने के लिए एचआरडी के कॉन्सेप्ट को बहुत लार्ज मात्रा पे, मतलब इंडिया लेवल पे इसको हम फॉलो किया जाता है। तो एचआर जो है, ह्यूमन रिसोर्स जो है, ये ओनली फैक्टर है विच कैन फैसिलिटेट द इफेक्टिव यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इंडिया को अगर डेवलपमेंट करना है। तो अगर हमें कोई भी अपना ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना है इंडिया लेवल पर, तो सबसे पहले क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स हमारा क्या होना चाहिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए उसको मोल्ड करना पड़ेगा, यानी उसको स्किल डेवलपमेंट करना होगा, नॉलेज उसको जिस भी जॉब में, जिस भी सेक्टर में वो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज, तो उनको क्या करना होना चाहिए, उनके पास नॉलेज होनी चाहिए उससे रिलेटेड और स्किल्स होने चाहिए। तो स्किल डेवलपमेंट जो हमारा भारत सरकार का स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो स्कीम्स आती हैं वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी, वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। एंड दिस नॉट ओनली लीड टू इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो इससे क्या होगा कि जब ह्यूमन रिसोर्स हमारा अच्छा होगा, नॉलेजेबल होगा, तो उससे प्रोडक्ट की क्वालिटी ही नहीं बढ़ेगी बल्कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा स्किल और डेवलपमेंट पे जोर दिया जाएगा। तो एचआरडी अप्रोच जो है एक तरह से ये असिस्ट करती है, सारी पॉलिसीज को इसमें इस्तेमाल किया जाता है कि कैसे जॉब सेटिस्फेक्शन को ज्यादा से ज्यादा लार्ज मात्रा पर लागू किया जाए, करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाए सभी को, और एक तरह से जो ह्यूमन बींग्स जो फ्रस्ट्रेशन का सेंस है उसको क्या किया जाए, उसमें कम किया जाए। तो इसलिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है दे आर स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग द एचआरडी प्रोग्राम, सारे ऑर्गेनाइजेशन में अब अप्लाई होना शुरू हो गया। आपने देखा होगा एक अलग से डिपार्टमेंट होता है। तो एचआरडी जो है इट कैन नॉट अचीव विदाउट एन इफेक्टिव एचआरएम। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को, जो मानव संसाधन विकास है उसको अगर हमें पाना है, उसको पाने के लिए सबसे जरूरी चीज है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम हमारा अच्छा होना चाहिए। तो हर एक एचआरडी सिस्टम जो है वो डेवलप किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर ये आधारित होता है, बेस्ड होता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का सिस्टम इवॉल्व किया जाता है, मानव संसाधन योजना की एक प्रणाली विकसित करते हैं। तो प्लानिंग योजना बनाते हैं किसी भी डेवलपमेंट को करने के लिए, फिर जो राइट पीपल हैं
किसी भी राइट जॉब के लिए एट द राइट टाइम, मतलब जिस जॉब के लिए जिस तरह के पीपल, मतलब उनके जो रिक्रूटमेंट आपने देखा होगा, कोई भी रिक्रूटमेंट आती है तो क्वालिफिकेशन आती है सबसे पहले, तो जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, क्वालिफिकेशन का मतलब यही होता है कि राइट पीपल को सेलेक्ट करना है राइट जॉब के लिए एट द राइट टाइम। थर्ड स्टेप क्या होता है कि प्रॉपर उनको फिर ट्रेनिंग दी जाती है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग टीचिंग बेसिक वर्क स्किल्स एंड ट्रेनिंग। तो फिर देखा कि हर एक जॉब के बाद क्या होता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो गवर्नमेंट सेक्टर हो, और उसका जो सीखने का लर्निंग का टीचिंग बेसिक वर्क स्किल्स है वो सब इसमें सिखाया जाता है बताया जाता है। फिर उसके बाद इवॉल्विंग द सुटेबल कंपनसेशन प्लान, तो एक तरह से उनको कंपनसेशन भी दिया जाता है, ट्रेनिंग में ही उनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं सैलरी के थ्रू या फिर जो भी पार्क्स वगैरह कंपनी ऑर्गेनाइजेशन देती है तो वो सब उनको दिया जाता है। आफ्टर दैट अ गुड परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम इज बेस्ड, तो इसमें उसके बाद ये सारे लास्ट स्टेप जो होता है दैट इज द परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी, ट्रेनिंग आ जाएगा किसी भी एम्प्लॉय का, ट्रेनिंग के बाद जो परफॉर्मेंस होता है किसी भी एम्प्लॉय का, कि इंडिविजुअल का जो भी वर्क परफॉर्मेंस है वो किस तरह का है एज पर द जॉब रिक्वायरमेंट, कि जिस जॉब की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उनकी परफॉर्मेंस है कि नहीं, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम के अंदर। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो आपको याद रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस हैं रिलेटेड विद द ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस, मानव संसाधन से संबंधित समस्याएं और समाधान क्या है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक यंग फील्ड है एंड दीज आर द सिग्निफिकेंट चैलेंजेस भी हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी हैं जो इस फील्ड में फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है, फेलिंग टू एक्नोलेज दीज चैलेंजेस विल इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज एचआरडी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी जो चुनौतियां हैं उनको स्वीकार करने में विफल रहने से संगठनों के भीतर क्या हो रहा है, मानव संसाधन विकास तेजी से हस्तक्षेप होता जा रहा है, यानी इसमें जो भी टास्क होते हैं एज सेंट्रल टू द एचआरडी प्रोफेशन उनको क्या किया जाएगा, दे विल बी टेकन ओवर बाय द अदर हु वर्क इन दिस प्रोफेशन। तो कहने का मतलब ये है कि जिस चीज के लिए जो जॉब रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पर ही राइट सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है राइट पीपल का एट द राइट टाइम। तो अगर ये नहीं होगा तो दिस विल बी द बिगेस्ट प्रॉब्लम हो जाएगी फॉर द एचआरडी प्रोफेशन के लिए। तो इसमें जो भी आउटकम थिंकिंग वर्किंग सिस्टमैटिकली इनटू द साउंड थ्योरेटिकल बेस विद क्लियर स्टैंडर्ड एंड एथिकल कोड्स, तो यहाँ पर जो भी कंपिटेंट प्रैक्टिशनर्स हैं प्रोफेशनल बॉडीज हैं वो अच्छी होनी चाहिए, और उसके लिए जो वो स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स है दैट शुड बी फोकस्ड होनी चाहिए एज पर द जॉब रिक्वायरमेंट, जिस जॉब के लिए उनको हायर किया गया है उसी से रिलेटेड उनको स्किल डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। सो प्रॉब्लम जो है दीज आर मैनी प्रॉब्लम्स विच आर फेस बाय द ऑर्गेनाइजेशन विद रिगार्ड टू द एचआरडी। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स की बात अगर हम करते हैं जिसमें संगठनात्मक समस्याएं हैं, तो टॉप मैनेजमेंट जो होती है वो प्रिज्यूम करती है बाय सेंडिंग द मैनेजर फॉर द एचआरडी प्रोग्राम जो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को। सो इसमें क्या होता है, लाइन मैनेजर जो होते हैं दे डू नॉट शो द इंटरेस्ट इन डेवलपिंग द ह्यूमन रिसोर्स, दे आर्ग्यू दैट डेवलपिंग जो ह्यूमन रिसोर्स है इट इज अ ड्यूटी ऑफ द एचआरडी डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर मीन्स जो हायरार्की है दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द ऑर्गेनाइजेशन, टॉप मैनेजमेंट जो होती है वो अच्छे से जो एचआरडी प्रोग्राम्स के लिए जो मैनेजर्स होते हैं दे विल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, तो ऐसा नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं एम्प्लॉयज़ की, और साथ में जो लाइन मैनेजर्स होते हैं वो एक तरह से ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट करने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो करते हैं, और एक तरह से दिस इज द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है दैट इज द ड्यूटी ऑफ द एचआरडी डिपार्टमेंट, वो ये बोल देते होते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ही जो मैनेजर्स हैं दे आर नॉट एबल टू डू देयर ड्यूटी इन द वेल मैनर, जिस वजह से सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं एंड दिस फीलिंग इज अ हर्डल इन द प्रोसेस ऑफ एचआरडी। तो एचआरडी जो होती है इट रिसीव्स ओनली वर्बल एंड शैलो कंप्लीमेंट्स बिकॉज ऑफ द हैवी एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब इम्प्लॉयमेंट को हायर किया जाता है तो जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसके अंदर खर्चा यानी जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा होता है, बिकॉज जो ट्रेनिंग पे खर्च होता है जो उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए जो टेक्नोलॉजी है उन सबको मिलाकर एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहता है। तो अगर इस तरह का एक्सपेंडिचर खर्चा जितना चाहिए उतना नहीं होगा तो देर इज अ लैक ऑफ जेन्युइन सपोर्ट मेक द एचआरडी प्रोग्राम फिटाइल, तो इस वजह से जो मानव संसाधन विकास के कार्यक्रम है वो अच्छे नहीं होंगे, वो निरर्थक हो जाएंगे। तो दिस इज द प्रॉब्लम फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल एचआरडी के लिए जो प्रॉब्लम्स है वो मेनली ये हैं।
जनरल प्रॉब्लम की बात करेंगे, जो सामान्य समस्याएं हैं वो क्या हैं, तो एचआरडी प्रोग्राम जो होते हैं दे आर फेल ड्यू टू द पावर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से, सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय, लो क्वालिटी एजुकेशन या फिर इलिटरेसी सबसे बड़ा कारण है। यानी लोगों के अंदर जानकारी ना होना, इलिटरेसी जो जिस चीज़ के लिए उनको हायर किया गया है उस लेवल की उनके पास क्वालिफिकेशन ना होना जॉब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये जनरल प्रॉब्लम्स हैं। एंड द रिक्वायर्ड टैलेंट्स एंड इंटेलिजेंस शुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी इजिली अवेलेबल। कहने का मतलब ये है कि रिसोर्सेज कम हैं और पॉपुलेशन लेवल ज़्यादा है, और जो पॉपुलेशन लेवल है वो हाई एवरेज के उसमें इलिटरेसी या फिर लो क्वालिटी एजुकेशन की प्रॉब्लम है, जिस वजह से ये जनरल प्रॉब्लम में कंसिडर किया जाता है। तो भारत में जो एचआर विकास है उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई फर्टिलिटी रेट होने भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम माना जाता है, हेल्थ कंडीशंस अच्छी नहीं है, और एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स एंड द बर्थ के बेसिस पे। तो जो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है वो एडवर्सली अफेक्ट करता है क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव डायमेंशन ऑफ एचआरडी प्रोग्राम। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो उच्च जनसंख्या वृद्धि है वो एक तरह से एचआरडी कार्यक्रमों के गुणात्मक और मात्रात्मक आयामों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो इसके लिए देर आर सम इश्यूज लाइक हाई डिपेंडेंट पॉपुलेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा है और बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द तो जनरल प्रॉब्लम्स में जो कंसिडर किया जाता है। एंड दिस इन रिजल्ट इन द लो पर कैपिटा इनकम। अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा रहेगी तो पर कैपिटा इनकम भी क्या रहेगी, कम रहेगी, सेविंग्स भी कम होंगी लोगों के पास और इन्वेस्टमेंट रेट भी कम रहेगा। तो इसलिए जो डाउनवर्ड शिफ्ट है ह्यूमन रिसोर्स स्टेटस का, उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स है लाइक हेल्थ प्रॉब्लम्स है, एजुकेशन लेवल लो है, इलिटरेसी ज़्यादा है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है दीज आर कम अंडर द जनरल प्रॉब्लम्स। तो इसके लिए जो कुछ सजेशंस है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रॉब्लम जो हमारे भारत के अंदर है उसको कैसे ओवरकम किया जाए, उस पर कैसे काबू किया जाए, तो ये सारी सजेशंस है यहाँ पर। सो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है उसको फेस करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो हैं वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से फॉलो करें, एग्जीक्यूट करें, और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे मैनेज करना है और उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं उनको कैसे हमें चेंज करना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ग्लोबल लेवल पर एकम्प्लिश करना ज़रूरी है, इसमें परिवर्तन लाना ज़रूरी है वैश्वीकरण के साथ। तो जो इसमें कुछ पीपल्स हैं जिनका कंजर्वेटिव माइंड है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, और मैनेजिंग एंड अडॉप्टिंग दीज चेंजेस बिकेम अ चैलेंज। तो ये जो चैलेंजेस हैं या मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, इलिटरेसी जो हमने पढ़े हैं, तो ये सारी चीज़ों को क्या करना ज़रूरी है, ओवरकम करना ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो एचआर मैनेजर्स के लिए चैलेंज है तो उसको ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के लिए एक तरह से वो क्या करते हैं, चेंजेस को सपोर्ट नहीं करते हैं कि इससे रिलेटेड जो भी मैनेजर्स हैं उनको कोऑर्डिनेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन मेजर्स हैं, संगठनात्मक उपाय हैं उसको देख लेते हैं। टॉप मैनेजमेंट जो है दे शुड डेवलप द पॉजिटिव स्ट्रैटेजी फॉर द चेंज। तो सिस्टमैटिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के साथ साथ पॉजिटिव स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए चेंजेस लाने के लिए। आफ्टर दैट सिस्टम्स एंड सब सिस्टम्स ऑफ द एचआरडी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन सेटअप। तो इसके लिए जो लक्ष्यों की उपलब्धि है उसको आसान बनाने के लिए मानव संसाधन विकास की प्रणालियों को और उप प्रणालियों को संगठनात्मक ढांचे में शामिल किया जाना जरूरी है। देर आर सम सोल्यूशंस लाइक जो रोल ऑफ लाइन मैनेजर्स है एचआरडी में, दिस कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। तो जो लाइन प्रबंधक है उनकी भूमिका को कम करने के लिए यहाँ पर आंका करना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज उनको ये जो सक्सेस है एचआरडी प्रोग्राम्स को अगर उसको अचीव करना है, सफलता पानी है, तो टॉप मैनेजमेंट को एक फीलिंग क्रिएट करनी होगी कि हर एक लाइन मैनेजर जो है वो ह्यूमन रिसोर्स की तरह उनको मानना होगा। तो इसलिए जो एक्सपेंडिचर भी है एचआरडी पे उसको भी एक इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करने की ज़रूरत है, तो ताकि जो भी उनके पर खर्चा होगा व्यय होगा वो एक निवेश के रूप में माना जाना चाहिए, जिससे कि एचआरडी प्रोग्राम्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके राइट टाइम पर और राइट मैनर में। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास फॉर द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रिलेटेड विद द असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट ऑफ बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाई। सो इससे रिलेटेड हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल सुपर प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है आप कंप्लीट स्टडी मटेरियल लेकर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, और साथ में यूट्यूब के थ्रू हम आपको ऐसे ही ऑनलाइन क्लासेस और सुपर टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे।
और साथ में हम क्वालिटी कंट्रोलर और असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं और पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम स्टडी मटेरियल प्रोसेस इज आल्सो गोइंग ऑन एंड सून वी आर गोइंग टू लॉन्च बैच फॉर द बीपीएससी असिस्टेंट के लिए हम जल्दी कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं और यूपीएससी ईपीएफओ और एपीएफसी के लिए भी हम ऑनलाइन क्लासेस एंड स्टडी मटेरियल स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके रिलेटेड आपको कोई भी अगर क्यूरीज होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी सारी क्यूरीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो जल्दी मिलेंगे न्यू वीडियोस के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट उनको भी यहाँ से हेल्प मिल सके। सो जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।